हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों क्यों? क्योंकि इट इज़ अबाउट माय मॉम। मॉम के बारे में कैसे बताता हूँ, मम्मी गई हुई हैं कल से बाहर, एंड कल तो मेरे लिए खाना बना के गई थी, तो इट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट कल तक घर में अकेले संभाल रहा हूँ, एंड आई एम गोना शो यू हाउ अ गाय लिव्स विदाउट हिज मॉम। अगर मम्मी नहीं है तो क्या क्या चीज़ें मुझे करनी पड़ती है उनके एब्सेंस में। आई विल शो यू ऑल दोज थिंग्स। सो अभी अभी खैर मैं लेट उठता हूँ, तो मैं लेट ही उठा हूँ आज भी। अब मैं शुरू करूँगा झाड़ू लगाने से, एंड उसके बाद आई विल प्रिपेयर समथिंग टू ईट। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ झाड़ू लगाने, एंड फिर मैं उसके बाद ब्रश करूँगा, एंड फिर मैं कुछ खाऊँगा, एंड आपको वो सब दिखाऊँगा मैं डेफिनेटली। सो स्टे ट्यून्ड, ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने ब्रश कर लिया है और झाड़ू लगा लिया है, अब मैं जाऊंगा कुछ बर्तन है उन्हें धोऊंगा, क्योंकि कल रात को खाना खाया था और वो अभी तक धोए नहीं गए हैं। तो अब मैं जाके उन्हें धोऊंगा, एंड फिर उसके बाद मैं कुछ बनाऊंगा एंड मैं खाऊंगा, एंड वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। सो आगे देखते रहे इस वीडियो को। तो बर्तन फाइनली हो गए हैं, और अब हम जाएंगे कुछ अपने लिए खाने के लिए बनाएंगे फाइनली। मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोटी पहले बना लेता हूँ, सो उसके लिए मुझे आटा गूंदना पड़ेगा। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि लास्ट टाइम मैंने आटा कब गूंदा था। वैसे मैं गूंद लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आटा मैं गूंद लेता हूँ, बट मैंने बहुत समय से नहीं गूंदा है। सो आई डोंट नो, मैं मतलब गीला ना हो जाए, वो बड़ा ट्रिकी होता है उसमें पानी डालना, कि कितना डालना है कितना नहीं डालना है। लेट्स सी, ट्राई करता हूँ, आई होप सही से गूंध जाए मुझसे। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैंने आटा निकाल लिया है बर्तन में, और ये नॉर्मल वीट का आटा है। हमारे घर में मल्टीग्रेन रोटियाँ बनती हैं, तो मम्मी तो पूरे मल्टीग्रेन आटे की बना लेती हैं, ये मल्टीग्रेन आटा, बट मैं शायद इसको अच्छे से गूंध नहीं पाऊंगा। तो मैंने इसको सोचा कि मैं मिक्स कर लेता हूँ इस आटे के साथ, क्योंकि वीट का आटा बाइंड करने में हेल्प करेगा। थोड़ी बहुत फूड की नॉलेज तो खैर मुझे भी है। सो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आटा गूंदना। ये रहा आटा, और ये ला लोटे में पानी। सो मैं आपको ऐसे गूंदते हुए नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज मेरे दो ही हाथ हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, विश मी लक कि सही गूंदे ये। थोड़ा से पानी के साथ स्टार्ट करता हूँ। मम्मी हमेशा कहती हैं कि ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए, उससे एक्यूरेसी बेटर हो जाती है। मतलब ऐसे वर्ड्स उनके नहीं होते हैं, बट मेरे हैं, बट इमोशंस सही हैं। जब ये फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा आटा, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा एक हाथ से फोन पकड़ के। खैर जब तक मैं आटा गूंद रहा हूँ, तब तक मैं कुछ बातें कर लेता हूँ आपसे। सो जैसे कि आजकल के जनरेशन में क्या है कि सबको खाना बनाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको जॉब करने के लिए टीयर 3 या टीयर 2 सिटीज से टीयर 1 सिटीज में जाना पड़ता है आजकल। सो वहां पर कभी मेड्स आती हैं, कभी नहीं आती हैं। और मैंने भी अपनी जो क्या कहते हैं ग्रेजुएशन है वो दिल्ली से किया है। सो मुझे बाहर रहना पड़ा था, और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कई बार मेट्स वगैरह नहीं आते, कभी कभी खाना अवेलेबल नहीं होता है, एंड यू नो हमेशा बाहर का नहीं खाना चाहिए। बिकॉज जितना भी आप हेल्दी खाने की कोशिश करो बाहर से, वो नहीं हो पाता है पॉसिबल।
कई ढेर सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक रीजन आपका बजट भी हो सकता है कि आप डेली बाहर से क्यों खाओगे. ऑफ कोर्स एंड बजट तो होता ही है, प्लस हेल्थ भी होती है. सो आई थिंक ये दोनों ही फैक्टर्स मिलके काफी ज्यादा हर्डल क्रिएट करते हैं कि आप बाहर कैसे खाना खाओगे कैसे नहीं खाओगे. सो अगर आपको थोड़ा बहुत भी मतलब मिनिमल कुकिंग स्किल्स आपके पास है, तो आप बाहर भी निकलोगे तो भूखे नहीं रहोगे. दैट्स व्हाट आई थिंक. अब जब मैं गया था दिल्ली के टाइम, उस समय मुझे सच बताऊं तो इतना टाइम भी नहीं मिलता था पढ़ाई करने के साथ साथ और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद. बट हाँ, जैसे खिचड़ी टाइप की चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जल्दी और आसानी से बन जाती हैं. इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है. सो वही बात है, बाय द वे ये अंकल ऊपर रहते हैं तो वही चिल्ला रहे हैं. अब आप सोचेंगे कि मेरे घर में कोई आया और मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया. सो आटा ऑलमोस्ट रेडी है, इसकी शक्ल मैं आपको दिखाता हूं, बस कुछ सेकेंड और दे दीजिए मुझे. ओके, आई थिंक नाउ यू कैन सी इट. सो मम्मी मेरी कहती हैं कि अगर आपके हाथ में ज़्यादा आटा ना लगे, सो इसका मतलब आपने आटा सही साना है. सो आई थिंक मैंने सही साना है, तभी मेरे हाथ में ज़्यादा लगा नहीं है और इसका शेप भी मुझे एकदम डो जैसा लग रहा है. इसको मुझे थोड़ा सा और गूनना पड़ेगा और फिर उसकी मैं रोट बनाऊंगा रोटी. एज यू कैन सी, तो चलिए शुरू करते हैं रोटी बनाना. आटा मैंने गूंद लिया है और अब मैं बनाऊंगा रोटी जो कि गोल गोल नहीं बनेंगी. स्पॉइलर अलर्ट, सॉरी. बाय द वे, मैं बहुत छोटी रोटियां नहीं बनाता हूँ, तो अगर किसी को देख के ये लगेगा कि ओह माय गॉड इतनी बड़ी रोटियां बना रहा है, तो पार्डन मी, बट मेरे पास इतना मतलब पेशेंस नहीं होता है कि मैं छोटी छोटी रोटियां बनाऊं. ऑनेस्टली मुझे बड़ी रोटियां पसंद है, बड़ी एंड मोटी रोटियां. अब मैं ढूंढ रहा हूं, एक्चुअली मैं कुछ ढूंढ रहा हूं. मैं क्या ढूंढ रहा हूं? तवा. देखो यही होता है यार, मम्मी पे आप कुछ ज्यादा जब डिपेंडेबल होते हो तो तवा ही नहीं मिल रहा है. बताइए क्या करूं मैं, कहां गया कहां. मिल गया. आई थिंक उसको फिर से धोना पड़ेगा. ये रहा तवा. गैस नीचे से ऑन करना पड़ेगा. आप भी रात में सोने से पहले अपनी गैस चेक किया करिए कि वो नीचे से बंद है या नहीं, बिकॉज एक्सीडेंट हो जाते हैं, यू नेवर नो. सो मैं तो मम्मी भी रहती है तब भी मैं इस चीज को एक बार डबल चेक कर लेता हूँ कि बंद है कि नहीं, बिकॉज यू कैन नेवर बी मोर केयरफुल, सॉरी यू कैन नेवर बी इनफ केयरफुल. पूरी कोशिश कर रहा हूं कि गोल नहीं एग्जैक्टली तो एटलीस्ट त्रिकोणा या किसी देश का नक्शा ना बन जाए, बट ऑलमोस्ट बन ही रहा है. मैं दिखाऊंगा अपनी फर्स्ट रोटी. आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनाई है मैंने.
सो इट्स टाइम टू यू नो असेस माई रोटी एंड असेसर हैं आप. तो ये रही मेरी रोटी, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड साइड से इसमें काफ़ी कर्व हैं, परफेक्ट नहीं है बट खाने लायक बना दूंगा मैं. तो ये रही रोटी और इसको हम डालेंगे तवा पे. आज को थोड़ा सा धीमा करेंगे क्योंकि ऐसा मम्मी कहती है, इसका रीजन मुझे नहीं पता है. मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, इसको सूखे आटे में यू नो कवर कर रहा हूँ ताकि जब मैं इसको बेलूं, अब आई डोंट नो आपकी लैंग्वेज इसको बेलने को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट कवरिंग इट इन व्हीट फ्लावर ताकि मैं इसको जब रोल करूं ऊपर से ऐसे 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 तो वो जिस चीज पे मैं इसको बेल रहा हूं उस पर वो चिपके ना. आप भी सोच रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहा है लड़का भाई साहब, एक दिन खाना क्या बना लिया, कुकिंग एक्सपर्ट ही बन गया है. थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर करनी चाहिए और अगर मैं चुपचाप खड़ा होकर सिर्फ रोटियां बेलूंगा तो ये व्लॉग बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग तो बनने नहीं वाला और आप बोर हो जाएंगे. सो मैंने सोचा कि काम कर ही रहा हूँ और कोई है नहीं घर पे तो अपनी पागलपंती दिखाता हूँ, कैमरे से बात करता हूँ. थोड़ा सा कैमरा शायद मैं हूँ, आई डोंट नो ये चीज कैसी लगेगी सुन के आपको, बट हूँ मैं. एंड ये चीज़ मैंने स्टार्ट भी इसलिए करी थी एक्चुअली में ताकि वो जो एक कैमरा शाय है मेरा अंदर से वो मैं उसको ओवरकम कर पाऊँ. सो वही ट्राई कर रहा हूँ. चलिए फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपनी रोटी की शक्ल. कुछ ऐसी दिख रही है रोटी, ये दूसरी तैयार है. तो ये पहली वाली रोटी से बेटर थी कि नहीं ये मुझे कमेंट में बताइएगा आप. अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तवे को हटा के मैं इसको डायरेक्ट आग में सेकूंगा सो आई थिंक आपको कुछ नया चीज दिखने वाला है मेरी साइड से, मतलब पहली बार नहीं देखेंगे बट मेरी साइड से कि इसको मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड फॉर दैट. तो मैं इसको ऊपर से ऐसे दबा दबा के सीखता हूँ. ये थोड़ा लेंदी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट इससे मुझे रोटियाँ वैसी मिलती हैं एग्जैक्टली जैसा मुझे रोटियाँ खाना पसंद है, क्रिस्पी एंड क्रंची. मुझे सख्त रोटियाँ जो कड़ी कड़ी होती हैं, मतलब बासी वाली सख्त नहीं, जैसे तवे पे लाल हो जाएं जो रोटियां और काफ़ी ज़्यादा क्रंची हो, मुझे वैसी रोटियां खाना बहुत पसंद है. सो मैं जब भी अपने लिए बनाता हूँ तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ. कई बार ऐसा होता है कि ऐसे दबाने पे रोटियां फूल भी जाती हैं, आपने शायद देखा भी होगा, तो वो तो खैर इस बार नहीं हो रहा है. बट हाँ इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ कि रोटी पक पूरी तरीके से जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी. आप देख सकते हैं कि रोटी एकदम मस्त हल्की हल्की सी लाल और काफी ज्यादा क्रंची हो चुकी है. ठीक है फिलहाल मैं इसको रखूंगा आप इस प्लेट पे, काफी गर्म है ये, और मैं ये दूसरी रोटी डालूंगा तवे पे. अब यहाँ के बाद मैं डायरेक्ट जब पूरी प्लेट मेरी प्रिपेयर हो जाएगी, ये सब्जी थोड़ी सी बची थी कल की इसको मैं गर्म करूंगा और जब पूरी प्लेट प्रिपेयर हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा. गाइस फीलिंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सेल्फ क्योंकि ये रोटी आप देख सकते हैं आपके घर में आपकी बहनें नहीं बना पाएंगी इतनी गोल रोटी जितनी मैंने बना दी. यार
कैसे बन गई इवन आई डोंट नो, शायद दोबारा कभी बनेगी भी नहीं। सो लेट्स टेक अ मोमेंट भाई, मोमेंट है, मोमेंट है, 2 मिनट का सेलिब्रेशन इस बात पे। सो फाइनली मैंने सारी रोटियां बना ली हैं, मैंने सब्जी गरम कर ली है और अब मैं प्लेट में से निकालूंगा और आपको दिखाऊंगा। प्लेट ये रही। ये रही मेरी सब्जी, मैंने तवे पे गरम कर ली थी। ओके सो माय प्लेट इज रेडी। Are you ready to watch it? Of course you are. So ये रही मेरी प्लेट रोटी और अब इसे मैं खाऊंगा। And I know ये सब्जी बहुत टेस्टी है क्योंकि इसको मैंने पहले भी खाया हुआ है। So finally अब मैं खाना जा रहा हूँ अपने ही हाथों का बनाया हुआ खाना। Actually रोटी, सब्जी पहले से बनी हुई थी। So ये रही मेरी रोटी और अब मैं खाऊंगा ऐसे। अब अच्छी रोटी बना लेता हूं मैं वैसे। सो अब मैं बस ये कहूंगा कि इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा खींचने को कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद तो मैं बाहर जाऊंगा, कुछ खेलूंगा कूदूंगा एंड पढ़ाई करूंगा, एडिटिंग करूंगा। इसके बाद जो भी वर्क होता है वो मेरी डेली लाइफ का वर्क है। सूर मैं उस पर भी व्लॉग बनाऊंगा, अ डे इन माई लाइफ। बट ये था अ डे विदाउट माई मॉम। सो उनके बिना मैंने सुबह उठा, झाड़ू लगाया एंड बर्तन धोए, खाना बनाया, अब खा रहा हूँ। यहीं पर ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। सो गाइस प्लीज़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा क्योंकि जितनी वीडियोस मेरी आएंगी उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।